ये घर, ये सन्नाटा, ये खामोशी, मेरा दिल फट जाएगा, मेरे कलेजा फट जाएगा। अल्लाह, ये सन्नाटा भी तो आपकी वजह से ही है अम्मी। फजूल मत बोलो तुम। क्यों ना बोलूं मैं भाईजान, आपका दिल तो फिर भी नरम पड़ गया, पर अम्मी याद है मुझे मीशा का रोते बिलखते फोन करना, दुआइयां देना, मिन्नतें करना। अब क्यों रो रही हैं आप? क्या फायदा है इन आंसुओं का? मीशा को तो आपने उसी दिन मार दिया था जब इस घर से निकाला था। आज तो सिर्फ उसको दफन करके आए, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। इन हाथों से अपनी भांजी को अपने हाथों में खिलाना, आज इन्हीं हाथों से अपनी विशु को दफन करके आया हूं मैं। क्या फायदा आपके आंसुओं का अम्मी? क्या ये मेरी विशु को वापस लाएंगे? हैं? नहीं लाएंगे। विशु मुझसे फरियाद करती रह गई कि अम्मी को मना लो। मैं नहीं बना सका, मैं उसकी बात नहीं पूरी कर सका। चली गई मुझे छोड़ के। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करूं? मुझे माफ कर। हमेशा मेरी बच्ची मौला। ये तो शुरुआत है, अभी और भी बहुत सी गलतियों का एहसास होगा आपको, पछतावे घेरेंगे। इन आंसुओं को उस वक्त के लिए बचा रखें। खाला में आप रान इस गम में, थोड़ा वक्त लगेगा, आप टाइम दीजिए, सब सही हो जाएगा। हाय अल्लाह, इकरार, काश अब्रार का दिल भी तुम दोनों की तरह से होता, वो मुझे माफ कर देता। मीशा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। माफ कर।